हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फ्रेंड। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसका नाम है पाइल्स। पाइल्स पे आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और उसकी कॉजेज क्या क्या है वो सब बताऊंगा मैं। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं पहले बात करता हूँ पाइल्स होता क्या है उसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपना पाइल्स। तो पाइल्स को ऐसे समझिए जैसे कि ये हमारी जो है, ये हमारी जो एनल कैनाल है, मतलब यहाँ से आपका जो है लैट्रिन बोलें या टॉयलेट बोलें, इसमें से निकल के बाहर आता है फीकल मैटर। तो अगर जो हमारा लैट्रिन जो है बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा, तो वो इसमें रगड़ रगड़ लग करेगा, रगड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे होती है हमारी म्यूकोसा, एक झिल्ली जैसी लेयर होती है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उसमें रगड़ लगते हुए उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण वो जो है, वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वो स्वेल कर जाते हैं और हमको पेन होने लगता है, पेन होता है। और जैसे कि तो ये, और ये जो है जब पेन होता है तो उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। इसकी तीन कैटेगरीज हैं जिनको पाइल्स, फिसर, फिस्चुला, तीन उसमें डिवाइड किया गया है। तो ऐसे जान ले पाइल्स जो होगा तो जो है जैसे कि इसमें ब्लड वेसल्स में जो है हमारी इरिटेशन होगा, इसमें रगड़ पैदा होगी फीकल मैटर के द्वारा। अगर जो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन से है, आपका जो स्टूल है वो बहुत हार्ड है, वो इसमें रगड़ के आ रहा है, तो इसमें आपकी सूजन आ जाएगी। तो पाइल्स इस तरह से, तब उसको, उस कंडीशन को पाइल्स बोलेंगे। पाइल्स का सिम्टम्स क्या होगा, आपका जो एनल रीजन है, एनल रीजन में आपको ईचिंग, खुजली जैसा लगेगा, हरदम ईचिंग हो लगेगी। आप जब लेटरिन जाएंगे तो ब्राइट रेड कलर का आपका जो है वो स्टूल में ब्लड आएगा, ब्राइट रेड कलर का लेटरिन करने के बाद ये होगा। और आपको म्यूकस भी आएगा लेटरिन करने के बाद, बहुत ज़्यादा म्यूकस आएगा अगर जो आपको पाइल्स है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी लेटरिन करने के बाद भी लगेगा जैसे एनल रीजन में कुछ फंसा हुआ है, इसमें से स्टक कर रहा है, फंसा लगेगा। जब आप लेटरिन करके आएंगे तब भी आपको लगेगा कि इसमें कुछ फंसा हुआ है हमारे एनल कैनाल में, तो ऐसे होगा। और आप लेटरिन करेंगे लेकिन लेटरिन तो आपको लगेगा नहीं, मेरा जो है खुल के लेटरिन नहीं हुई, अभी मुझे और करना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी फीलिंग आपको आएंगी जब आपका ये पाइल्स का सिम्टम्स, ये पाइल्स के सिम्टम्स होंगे। अब काजेस क्या होती हैं, क्यों होता है ऐसा, वो मैं बताता हूँ। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन मतलब आप लेटरिन जाते हैं तो आपको खुल के लेटरिन नहीं होती, आपको बार बार लगता है कि मैं लेटरिन खुल के करूं, अभी मैं गया था लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ और होना चाहिए था। एक तो रीज़न ये हो गया कॉन्स्टिपेशन। दूसरा रीज़न है प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें जो है पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा हो गया जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, उनको भी डेली रेगुलर, उनको भी पाइल्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। या जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको भी पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या जो लोग ड्रग्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको भी पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारी कॉजेज हो गई पाइल्स होने की, तो ये चीज़ें हैं। और अब आइए जान लेते हैं कि इसका जो है कि ट्रीटमेंट कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिपेशन है उसके, उसको दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, मतलब 3.5 से 4 लीटर तक पानी आपको डेली पीना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी जो है पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 4 से 4.5 लीटर तक पानी डेली पीना चाहिए, उससे जो है उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। हरी साग सब्जी खाएं, अपनी जो डाइटरी हैबिट है उसको चेंज करें, जैसे फास्ट फूड को अवॉइड करें। आप ग्रीन वेजिटेबल, सलाद जरूर शामिल करें अपनी डाइट में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। और अपना जो है तेल, मसाला, मिर्ची, इनको जो है अपने खाने से बिल्कुल हटा दें। तो
इससे आपका कॉन्स्टिपेशन सही होगा। और जैसे कि हमारे हमारी ड्रग कौन सी लेते हैं हम उसको तो पहला ट्रीटमेंट करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के, दूसरा ट्रीटमेंट होता है हमारा पाइल्स को ठीक करने के लिए। तो पहला ये करेंगे कि उसमें जो है आपको जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक सिरप आता है क्रीमाफिन सिरप, उसको आपको 15 से 20 ml डेली आपको सोते समय लेना है, ये 2 महीने तक, 2 महीने तक 20 ml क्रीमाफिन सीरप लेना है। या आप उसकी जगह पे लैक्टुलोज सीरप भी ले सकते हो, ये भी आपको ऐसे ही लेना है कि 20 ml 2 महीने तक, 20 ml रात में सोते समय। ओके। और आपको ट्रीटमेंट के लिए टेबलेट डेफलॉन जिसका कि कंपोजिशन होता है डालसमीन हेस्प्रिडीन, अगर जो डेफलॉन के नाम से आपको टेबलेट नहीं मिलता है तो आप उसका कंपोजिशन से भी ले सकते हैं, कंपोजिशन होगा डायोस्मीन हेस्पिरिडीन, इसको आप ले सकते हैं। तो इसको लेना कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। 2 टेबलेट सुबह नाश्ता करने के बाद, फिर आपको 2 टेबलेट दोपहर में लंच करने के बाद, फिर आपको 2 टेबलेट रात में सोते समय, ऐसा आपको 3 दिन करना है। फिर चौथा दिन जैसे स्टार्ट होगा तो चौथे दिन आपको 2 टेबलेट ब्रेकफास्ट करने के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद, फिर आपको लंच के टाइम आपको ये 2 टेबलेट जो ले रहे थे पहले 3 दिन वो नहीं लेना है, फिर आपको रात में 2 टेबलेट सोते समय फिर लेना है, और ऐसा 3 दिन फिर करना है। फिर जैसे हमारा 7वां दिन आएगा तो फिर आपको 1 टेबलेट नाश्ता करने के बाद लेना है, फिर दोपहर में नहीं लेना है, फिर रात में 1 टेबलेट सोते समय लेना है, ये 15 दिन तक करना है। टोटल डोज जो है 21 डेज की है, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पाइल से रिलीफ 99% आपको रिलीफ हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा करिए और जो जो मैंने बताया है इसको फॉलो करिए, आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। आपको जो वीडियो में जो बीमारी के बारे में जानना हो उस या उसका ट्रीटमेंट जानना हो कैसे होता है उस, आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे कमेंट में डालिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें जिससे जो है उनका भी नॉलेज बढ़े। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।